हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के स्टूडेंट्स का सोशल साइंस का आपका ब्लूप्रिंट देखेंगे, जो कि सैम्पल पेपर का ब्लूप्रिंट है और जो कि बोर्ड एग्ज़ाम का भी आपका ऐसे ही आएगा। कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, बट जो मोस्ट आपके 5 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, केस बेस्ड के क्वेश्चन होंगे, वो ज़्यादातर सेम चैप्टर से होंगे। तो ये मैंने बता रही कि कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, यहाँ पे चैप्टर्स वाइज बात हो रही है। तो सबसे पहले आपका जो सोशल साइंस का पेपर होता है, वो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, डी, ई और एफ में डिवाइड होता है। तो ए में 20 मार्क्स के एमसीक्यू के क्वेश्चन होते हैं, एक एक नंबर के। बी में 2 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, सी में 3 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, डी में आपके जो है वो 5 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं, एफ में 4 नंबर वाले, 3 केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और एफ में आपका एक 5 नंबर का मैप वाला क्वेश्चन होता है, जो कि तो 2 हिस्ट्री और ज्योग्राफी से ही आता है। और मेनली कौन कौन से चैप्टर से आएंगे ये क्वेश्चन, वो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यू बात करेंगे 1 से 20 तक, जो कि कौन कौन से चैप्टर से आ सकते हैं और किन चैप्टर को आपको एमसीक्यू के लिए रेडी करना है, वो आपको पता चल जाएगा। एक एमसीक्यू नेशनलिज्म इन इंडिया से आएगा, फिर वाटर रिसोर्स से एमसीक्यू आ सकते हैं, डेवलपमेंट चैप्टर से एक एमसीक्यू, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ से एमसीक्यू आ सकता है, 2 एमसीक्यू पावर शेयरिंग से आ सकते हैं, देन आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी से एक एमसीक्यू, मनी एंड क्रेडिट से एक एमसीक्यू, पावर शेयरिंग से एक और एमसीक्यू, यानी 3 एमसीक्यू, पावर शेयरिंग 2 इधर और 1 इधर से हो गया। देन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से एक एमसीक्यू, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक से एक एमसीक्यू, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से एक एमसीक्यू, यहाँ पे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी से 2 एमसीक्यू हो गए, नेशनलिज्म इंडिया से भी 2 एमसीक्यू हो गए, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक से एक एमसीक्यू, प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड से एक एमसीक्यू, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से एक एमसीक्यू, देन पॉलिटिकल पार्टी से एक एमसीक्यू, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमिक से आपका एमसीक्यू, पॉलिटिकल पार्टी और मनी एंड क्रेडिट ऊपर भी आ रखा था तो 2 एमसीक्यू, पावर शेयरिंग तो मनी एंड क्रेडिट तक ही था। यहाँ पे हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट हर चैप्टर से एक एक क्वेश्चन एमसीक्यू में तो ज़रूर पूछा जाएगा। तो आपको एमसीक्यू के लिए तो रेडी आपको हर चैप्टर के लिए करना है, एंड मेनली पावर शेयरिंग, नेशनलिज्म इन इंडिया और मैंने जो चैप्टर देखे आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये सारे चैप्टर एमसीक्यू के लिए मेनली हैं। देन 2 नंबर वाले क्वेश्चंस के लिए आपको कौन कौन से चैप्टर रेडी करने हैं, उसमें पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, 2 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा एक। देन मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, अथवा में 2 नंबर में भी अथवा के क्वेश्चन होते हैं ना कि ये वाला चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन नहीं आता तो ये वाला कर लो, पर वो चैप्टर तो सेम होता है, तो मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से ही आएगा। और ये जो क्वेश्चंस होंगे मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड से एक क्वेश्चन आएगा 2 नंबर का। देन एग्रीकल्चर से एक 2 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर से एक भी एमसीक्यू नहीं आया था, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा। और एक फेडरलिज्म से भी कोई एमसीक्यू नहीं आया था, एक 2 नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाएगा। देन अब हम 3 नंबर वाले क्वेश्चन पर जंप करते हैं, जो कि 25 से स्टार्ट होंगे। प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड से 3 नंबर का एक एमसीक्यू आएगा, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी से अथवा का क्वेश्चन भी सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स से ही आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन। देन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से एक 3 नंबर का क्वेश्चन, फेडरलिज्म से एक और 3 नंबर का ही क्वेश्चन, एक 2 नंबर का क्वेश्चन भी इससे आया था, एक 3 नंबर का भी आ रहा है, एंड सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स से 3 नंबर का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा वो 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, जो कि मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज चैप्टर से आएंगे और अथवा में भी यही चैप्टर होगा। तो एक 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से, एक राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एक पॉलिटिकल पार्टी से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो ये 3 चैप्टर 5 नंबर के लिए आपको एकदम रेडी रखने हैं। देन जो है मनी एंड क्रेडिट जो आपका चैप्टर है, मनी एंड क्रेडिट में भी आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन नेशनलिज्म इन इंडिया 34 क्वेश्चन, ये आपका केस बेस्ड के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, तो 4 नंबर के केस बेस्ड आएगा नेशनलिज्म इन इंडिया से, एक वाटर रिसोर्स से ज़रूर आता है, ये तो आपको कंफर्म रखना है, और एक डेवलपमेंट से आता है आपका। ये 3 चैप्टर आपको केस बेस्ड के लिए रेडी रखना है। तो आपने देखा आपको 5 नंबर के लिए किस चैप्टर को रेडी रखना है, केस बेस्ड के लिए किस टाइप से केस बेस्ड के क्वेश्चंस आपको इन चैप्टर के प्रिपेयर करने हैं, एमसीक्यू क्वेश्चन किस चैप्टर के प्रिपेयर करने हैं, 5 नंबर वाले क्वेश्चन किस चैप्टर के प्रिपेयर करने हैं, ये आप देख सकते हैं
एंड मैप वर्क जो कि एब्सोल्युटली 5 नंबर का ही होगा, वो एक हिस्ट्री के आपको चैप्टर्स आपको दे रखे हैं और ज्योग्राफी के चैप्टर्स आपको दे रखे हैं, उन्हीं चैप्टर में से आएंगे मेनली। ये एकदम कंफर्म नहीं कि किस चैप्टर से आएगा, ये आप देख सकते हैं। तो पूरा मैंने आपको ब्लूप्रिंट बता दिया, बाकी सब्जेक्ट का भी चैनल पे डल रखे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय गाइज़।